आज हम एक मीठे कद्दू की झटपट रेसिपी शेयर करेंगे। आइए जानें कि इसमें क्या लगता है। मीठे कद्दू के स्लाइस, प्याज का बैटर, कटे हुए प्याज की भी जरूरत पड़ेगी, हल्दी, मिर्च, धनिया और जीरा पाउडर, नमक, तेल के रूप में कुछ छोटी झींगा मछली और सोयाबीन है। एक पैन में तेल डालें और प्याज के स्लाइस फ्राई करें। थोड़ी देर भूनने के बाद इसके साथ प्याज का बैटर दे रहे हैं। और थोड़ा पानी भी दिया। अब इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर और नमक डाल रहा हूँ। कुछ देर बाद मैंने झींगा और मछली दी। दो से तीन मिनट तक भूनिए और कद्दू के मीठे टुकड़े डाल दीजिए। अब इसे थोड़ा सा भून लीजिए और इसमें पानी डाल दीजिए। पांच या छह मिनट के बाद ढककर परोसें।